हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर टू लॉन्ग एंड शॉर्ट में आज हम पढ़ेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में। इट मींस जैसा कि हमें नेम में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे नेम देखिए लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी हमें लेंथ के बारे में पढ़ना है, लंबाई के बारे में पढ़ना है। किसी भी चीज़ की लेंथ अगर मेजर करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ एक एक्टिविटी इज गिवन, हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। कुछ डॉट्स बनाई हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं डॉट्स के नेम भी दिए हुए हैं, ए देन बी, इसी तरह से डॉट्स के नाम दिए हुए हैं, सी डी ई एफ, इस तरह से डॉट्स के नाम दिए हुए हैं। नाउ गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, गेस करना है हमें, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज इट। नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डिड यू गेस राइट। मीन्स हमें पहले गेस करना है, उसके बाद स्केल से मेजर करना है। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, कौन सी डॉट्स हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं। चेक योर आंसर, आंसर किससे चेक करना है, स्केल से चेक करना है। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, और फिर कौन सी जो डॉट्स हैं वो नियरेस्ट हैं, यानी हमें फार्देस्ट और नियरेस्ट दोनों देखना है। तो ये इस तरह की हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि स्केल में मेजरमेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम स्केल को जान लेते हैं कि किस तरह से स्केल में लाइंस होती हैं, उनको कैसे हमें देखना है और किस तरह से मेजरमेंट करना है, लाइंस किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल को जान लेते हैं। ये स्केल आपके पास भी होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है स्मॉल स्केल, और जो इससे बड़ा वाला स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। इसमें यहाँ पे जो बड़े मार्क्स हैं ये इंचेस के हैं और जो स्मॉल मार्क्स हैं यहाँ पे सेंटीमीटर्स के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आप स्केल में यहाँ देख रहे हैं जो बिग मार्क्स हैं दैट आर ऑफ इंचेस, इंच यूनिट होती है लेंथ की। इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो 15 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये सेंटीमीटर्स की होती हैं, सेंटीमीटर्स। और स्मॉल यूनिट अगर हम लिखना चाहते हैं इसकी तो cm लिख सकते हैं स्मॉल में। और जो आपको मार्क दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है स्केल, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से आप पूरे मार्क देख रहे हैं 15 तक, यानी कि 15 तक आपका स्केल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये 15 पॉइंट हो गया, ये ज़ीरो। अब ज़ीरो से लेकर 1 तक, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। इस ये 0, ये 1, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अगर इसी तरीके से अगर आप 2 सेंटीमीटर की लाइन करना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर की लाइन भी हो सकती है। 0 से लेकर आपको 2 तक लाइन यहाँ पे लगानी होगी। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आप 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक। अगर आपको 2 सेंटीमीटर चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए तो 0 से लेकर 3। इसी तरीके से ये आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर लाइन बनी हुई है तो मेजर भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं कि 0 से लेकर 1 हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में आप देख रहे हैं कि स्मॉल लाइन्स भी हैं। These small lines are of millimeters, millimeters की होती हैं। जो small lines आपको दिखाई दे रही हैं वो millimeters की होती है। तो यहाँ पे कितने millimeters हैं ये आपको देखना है, कितनी lines दिखाई दे रही हैं। आपको lines count करेंगे तो 10 मिलेंगी। So 10 millimeters हैं, 1 centimeter that is equal to 10 millimeters। इसमें जो small lines हैं millimeters की हैं, तो 1 सेंटीमीटर आपको 0 to 1 जो दिखाई दे रहा है, या 1 to 2, इसमें आपको 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स की लाइन दिखाई देंगी। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। इसी तरीके से जब हमारे 10 मिलीमीटर्स मिलकर आपको बन रहा है, 10 मिलीमीटर्स की लाइन मिलेंगी तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। इसी तरीके से जब 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे then it will be equal to 1 meters। इसके बाद 1000 meters जब मिलेंगे तो बन जाएगा 1 kilometer, that is the biggest unit of the length। यहाँ पे ये 3 आपके units दिखाई दे रहे हैं आपको, kilometer, then meter, then centimeter,
देन मिलीमीटर, फोर यूनिट्स आर यूजिंग। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट आपकी किलोमीटर हो गई और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी मिलीमीटर हो गई। तो अगर हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट अगर यूनिट लगाना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा स्मॉलेस्ट मीन्स मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर। तो सबसे छोटा अगर आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो आप मिलीमीटर यूज़ करेंगे, उससे थोड़ी बड़ी आपको कोई मेजरमेंट करनी है तो आप सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, और उससे थोड़ा और बड़ा होगा तो मीटर्स, और सबसे बड़ा डिस्टेंस आपको कोई मेजर करना है, कोई लेंथ मेजर करनी है, तो यू हैव टू यूज़ किलोमीटर एज यूनिट। अब हम लाइन ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं, स्केल से हम लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक स्केल है हमारे पास, सपोज़ हमें बोल दिया गया कि यू हैव टू ड्रॉ, सपोज़ वी हैव टू ड्रॉ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप पेंसिल लेंगे, उसके बाद स्केल यूज़ करेंगे। तो स्केल के लिए आपको, सपोज़ ये स्केल आपने लिया, आपके पास जो इसको स्केल होता है उसको लिया, पेंसिल लेंगे अपने हाथ में, और उसके बाद आप ड्रॉ करना कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए 0 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे मार्क लगाइए, पॉइंट लगाइए, एक मार्क लगाइए, उसके बाद 5 तक मार्क लगाना है आपको, 5 तक मार्क लगा लिया, 0 से लगाना है, पूरा लगा लिया, अब इसको आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर की लाइन। इसी तरह से अगर आपको और भी लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ हमें बोला गया है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, अगर आपको 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, देन अगेन यू यूज़ स्केल, आप दोबारा से स्केल का यूज़ करेंगे और पेंसिल लेंगे और फिर मार्क करेंगे 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 से लेकर, पूरी आपकी स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी, को यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर इसी में आपको पॉइंट में बोल दिया जाए कि पॉइंट में आपको बनाना है, तो सपोज़ हमने कोई यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, हम समझ लेते हैं कि सपोज़ 10.3 करना है, 10.3, तो 10.3 के लिए हमें थोड़ा सा आगे और जाना पड़ेगा स्मॉल लाइंस को देखकर, 1, 2, 3 पे मार्क कर लीजिए, यहाँ से 10 से लेकर 1, 2, 3 आप मार्क देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ लगा दीजिए और पूरा यहाँ तक जाना होगा, यानी कि आपको 10.3 करना है तो स्मॉल जो मार्क है वहाँ तक भी जाना होगा। तो ये हो गया आपका 10.3 सेंटीमीटर, ये आपकी स्केल का मेजरमेंट, लाइन का मेजरमेंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ हमने जब लाइन खींची थी तो इसके ऊपर भी आपको 5 सेंटीमीटर लिखना है, मतलब आप मेजरमेंट बता रहे हैं कि दिस लाइन इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो भी आप लाइन खींचेंगे उस पर आप इस तरह से मार्क ज़रूर लिखेंगे जितना उसका मेजरमेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।